कर लें कि पुलिसिंग व्यवस्था बेहतर हो रही है, लेकिन गाहे बगाहे इसकी पोल खुद उन्हीं के पुलिसकर्मी खोलते नजर आते हैं। ताजा मामला लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र के अजीज नगर चौकी का है, जहां एक संतोष नाम का सिपाही सरेआम एक गरीब आदमी को गाली और जान से मारने की धमकी दे रहा है। बताया जा रहा है कि सिपाही को उसके मनमाफिक पैसे में फल नहीं मिला, यानी जिस हिसाब से वो फल लेना चाह रहा था, जब उस हिसाब से नहीं मिला तो वह अकबूला हो गया, जिसकी वजह से नाराज होकर सिपाही गरीब फल विक्रेता से भिड़ गया और भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। लोगों ने सिपाही को समझाना भी चाहा, लेकिन सिपाही अपनी वर्दी के नशे में चूर था और लगातार गरीब फल विक्रेता से लड़ता नजर आया। तो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। ये पुलिस वाला फल विक्रेता को जबरदस्ती धमका रहा है। असल में ये फल खरीद रहा था इस फल विक्रेता की दुकान से, और ये अपने मनमाफिक रेट चाह रहा था, यानी पैसे तो दे रहा था लेकिन अपने मनमाफिक रेट चाह रहा था। जब उस रेट में इसे फल नहीं दिया गया तो वो लड़ने लगा, मारने पर उतारू हो गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं भारत समाचार की टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को। वर्दी वाला गुंडा, हमने इसे यूं ही नहीं कहा, पूरी रिपोर्ट की तस्दीक की गई है, उसमें तमाम खामियां पुलिस वाले की नजर आई है। असद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असद, ये कहां का मामला है और ये पुलिसकर्मी क्या चाह रहा था? जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे, ये मड़ियाव थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ अजीज नगर चौकी रहती है। अजीज नगर चौकी के पास ये सिपाही वहाँ से खुलेआम गुंडेती कर रहा है, गुंडई दिखा रहा है और फल विक्रेताओं से अपनी दबंगई के आगे पैसा न देने को लेकर के बवाल कर रहा है, जिससे उन लोगों को लेकर के काफी अभद्रता भी की है और गाली गलौज करने के बाद बंद करने की थाने में धमकी दे रहा है कि अगर मेरे हमसे पैसा लोगे या हमसे किसी चीज की डिमांड करोगे तो हम उठा के तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। जी, तो आपने देखा किस तरह से अरशद रजा ने ये साफ कहा कि पुलिस वाले ने किस तरह से उस फल विक्रेता को धमकी दी है और जेल में बंद करने की भी धमकी उन्होंने दी है। असल में ये पुलिस वाला चाह ही रहा था, एक बार फिर से हम आपको इस खबर के बारे में बता दें, कि इसके मनमाफिक रेट पर ये फल खरीदे, जब बात नहीं बनी तो गाली गलौज करने लगा और जेल में डालने की धमकी तक दे दिया। फल विक्रेता ने क्या इसकी शिकायत किसी से की? यानी नहीं की है।